अब हम आ जाते हैं गॉजेस लॉ की एप्लीकेशन पे। बेसिकली गॉजेस लॉ की एप्लीकेशन जो हमने कवर अप करनी है वो थ्री है। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फीयर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज। लेट अस कंसीडर फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फीयर ऑफ चार्ज। कंसीडर करते हैं एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जो कि एक स्फीयर में जिसका रेडियस आर है उसके सेंटर में प्लेस किया गया है, जैसा कि हमें तस्वीर में भी नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करने लगे हैं किसी भी एक पॉइंट जो कि आउटसाइड है स्फीयर के जिसका रेडियस आर है और उस पॉइंट को हमने कंसीडर किया पॉइंट पी, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पूरे सरफेस को हमने डिवाइड किया एन इक्वल एलिमेंट्स में, वो एरिया डेल्टा ए। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा जीरो। कॉस थीटा जीरो इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही एरिया की भी डायरेक्शन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम कह सकते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ए ई चेंज इन एरिया। अब टोटल आउटवर्ड फ्लक्स की जब बात करेंगे तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो स्फीयर है इसके हर सेगमेंट में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा उन तमाम को अगर हम सम करेंगे तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स गेट कर सकते हैं। जब चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम ई चेंज इन एरिया पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से तो हम ये इक्वेशन गेट करते हैं। हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल स्मॉल एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वल टू ए टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाती है, जो कि हम राइट डाउन कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर से। देयरफॉर सो हम राइट डाउन कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ए 4 ई पाई आर स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉजेस लॉ के मुताबिक जो है आउटवर्ड फ्लक्स चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई होगा, जो कि इक्वल होता है आउटवर्ड फ्लक्स इक्वल टू ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया उसे हमने और इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करने लगे। जब कंबाइन किया हमने 4 ई पाई आर स्क्वायर इक्वल हुआ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इन दोनों को हमने इक्वेट किया तो ये वाली रिलेशन यहाँ पर आ गई और ये यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ई इक्वल टू है 1 अपॉन, हम राइट डाउन कर सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन ए का नाम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर प्रोवाइड कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के ऊपर क्या हो, कंसिडर करते हैं एक पॉइंट पी सरफेस ऑफ द स्फीयर पे जिसका डिस्टेंस हमारे पास आर है। इक्वेशन ए के मुताबिक अगर आर हमारे पास डिस्टेंस ए के बराबर है तो हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं इक्वेशन ए को कुछ इस तरह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी हम कह सकते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एरिया के बराबर होगी क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। चूंकि हम पॉइंट पी पे फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी सरफेस क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर हो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू के लिए अगर हम इस रिलेशन को सेपरेट करना चाहें तो हम इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन बी में। जब हमने इक्वेशन बी में ये वैल्यू पुट अप की तो हमारे पास रिलेशनशिप कुछ इस तरह से आ गई 4 पाई ई इक्वल टू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डेंसिटी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फीयर ऑफ चार्ज गॉजेस लॉ जो कि हमने प्रूव आउट। अगर पॉइंट पी को हम इनसाइड द स्फीयर पुट अप करते हैं तो आर इज लेस देन हो जाएगा ए के और आउटवर्ड फोर्स हमेशा जीरो होगा। गॉजियन सरफेस इंक्लोज नो, गॉजियन सरफेस जो है बेसिकली कोई भी चार्ज कैरी नहीं कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू जीरो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ए जीरो के बराबर हो जाएगी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर बिकम जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज कंसिडर करने जा रहे हैं, एक प्लेन इनफाइनाइट शीट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैलाए गए। चार्ज डेंसिटी के मुताबिक जो है चार्ज इज इक्वल टू है चार्ज डेंसिटी के मुताबिक जो है चार्ज डिवाइड बाय एरिया चार्ज डेंसिटी कहलाती है। कंसिडर करते हैं ये एक डायग्राम है और इसमें हमने एक होलो सिलेंडर जो है वो पास आउट किया है। ये एक शीट है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है रखे गए। इस सिलेंडर को जो कि हमने इस शीट में से पास आउट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कंसिडर कर रहे हैं कि टोटल चार्जेस ऑन द शीट Q के बराबर है और टोटल एरिया ऑफ द शीट जो है वो A के बराबर है। लेट अस अज्यूम इस शीट के लिए दो पॉइंट्स P और P डैश, एक P पॉइंट P पॉइंट और P डैश पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को हमने कंसीडर करना है। हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया P से P डैश तक और कंसीडर किया ये जो सिलेंडर है
गॉसियन सरफेस। कंसीडर कर रहे हैं इस क्लोज सरफेस को फ्रंट, जो कि पी लाइज कर रहा है वन ऑफ इट्स एंड फेस, जैसा कि हमें तस्वीर में नजर आ रही है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल एन टू द सिलेंडर सरफेस इज 90 डिग्री, सो द फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर सरफेस इज। अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो कि हमें नज़र आ रही है ये, और अगर हम सिलेंडर के इस सरफेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फोर्स और सरफेस की जो डायरेक्शन है, एरिया ऑफ द सरफेस जो है वो 90 डिग्री पे बन रहा है। तो हमने थीटा की जगह 90 डिग्री पुट अप किया एंड फाइनली वी गेट सरफेस के लिए, इस सिलेंडर के दोनों सरफेस के लिए जहाँ पे एरो हम मूव कर रहे हैं, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 के बराबर है। अब पॉइंट पी और पी डैश की जब बात करेंगे, ये वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया ऑफ द सिलेंडर की डायरेक्शन सेम है, यानी कि इन दोनों के दरमियान एंगल जो है पैरेलल है दोनों, और दोनों के दरमियान एंगल जो है 0 डिग्री बन रहा है। जब हम इन दोनों एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, कंसिडर करने जा रहे हैं फर्स्ट सरफेस पी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 इक्वल टू है ई डेल्टा ए कॉस थीटा 0। फाइनली जो फ्लक्स आ रही है वैल्यू हमारे पास ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए के बराबर है। सिमिलरली अगर हम पी डैश के लिए फाइंड आउट करते हैं दूसरे वाले साइड के लिए सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 जो है ई डेल्टा ए के बराबर जाएगा। अब इन दोनों फ्लक्स को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि रिलेशन में शो हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ए 2E डेल्टा ए। अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज Q upon epsilon naught के बराबर है। चूंकि हमें पता है Q इज इक्वल टू है, अगर हम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पुट अप करते हैं Q इज इक्वल टू है सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी। कंपेयर करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, फाइनली वी गेट सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू है 2E डेल्टा ए। डेल्टा ए से डेल्टा ए को अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं और 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में दूसरी तरफ ले जाते हैं तो E इक्वल टू है सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught के बराबर हो जाएगी। वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें यूनिट वेक्टर ए का राइट डाउन करना पड़ेगा, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो अब इक्वेशन जो है हमें रिलेशनशिप गिव कर रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के। थर्ड वन एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। कंसिडर कर रहे हैं एक प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पुट किए गए हैं और दूसरी जो प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को पुट किया गया है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो फर्स्ट चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है उसको हमने नाम दिया E1 का, और सेकेंड प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है हमने उसको नाम दिया है E2 का। ये दोनों प्लेट्स जो है इक्वल अमाउंट में अपोजिट चार्ज कैरी कर रही हैं और इनकी चार्ज डेंसिटी इक्वल है। इन दोनों प्लेट्स पे नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल है जो कि अपोजिट चार्जेस, और जिनकी चार्ज डेंसिटी भी इक्वल है और जिनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। चूंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पैरेलल है सिवाय एजेस के, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पैरेलल है सिवाय इन एजेस के, हर प्लेट जो है बिहेव करेगी शीट ऑफ चार्जेस के तौर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से जो है हम राइट डाउन कर सकते हैं E1 इक्वल टू है सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, जो कि सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ में हमने ड्राइव की है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नेगेटिव प्लेट एट अ पॉइंट बिटवीन द प्लेट, उसकी जो डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ है, और E2 हम राइट डाउन कर सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught। चूँकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज सेम डायरेक्शन में है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देयरफॉर हम कह सकते हैं द सम ऑफ फ्लक्स ऑफ टू फ्लेट सरफेसेस कैन बी रिटन एज फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा ए प्लस ई डेल्टा ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज प्लेट, इन दोनों को जब सम अप किया हमने तो फ्लक्स इक्वल टू है 2E डेल्टा ए के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया इसको हमने। अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ हम कह सकते हैं टोटल आउटवर्ड फ्लक्स क्लोज थ्रू अ
क्लोज सरफेस इज फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल आउटवर्ड फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और क्यू इज इक्वल टू हमें पता है चार्ज डेंसिटी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया इसे। दोनों इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया तो रिलेशन हमारे पास गेट हुआ सिग्मा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ए 2e डेल्टा ए, डेल्टा ए से डेल्टा ए को कैंसिल आउट किया हमने, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ए 2e, एंड फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू ए सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इन वेक्टर फॉर्म। फाइनली ये इक्वेशन हमारे पास या एक्सप्रेशन गिव्स कर रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के। थैंक यू।